जोमेटो पे कुछ बात रखोगे अपनी? तो जोमैटो पर जैसे मैंने बताया 175 का लक्ष्यांक है, और डिम्पी ब्लिंकिट जो कि एक घरेलू सामान का ई प्लेटफॉर्म है, वहां पर जब से ब्लिंकिट की शुरुआत हुई थी तो हैंडलिंग या फिर डिलीवरी फी और प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर रहे हैं, और जोमैटो के जो मुख्य कारोबार है यानी कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, वहां पर भी अगर आप गोल्ड मेंबर हैं तो भी आपको कुछ 2 रुपए या 4 रुपए प्लेटफॉर्म फी चार्ज होती है। और जिस तरीके से लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं यानी कि जोमैटो का फूड डिलीवरी का और ब्लिंकिट का घरेलू सामान के जो प्लेटफॉर्म है उसका, निरंतर तिमाही दर तिमाही क्योंकि ये डिलीवरी चार्ज और हैंडलिंग फी लग रही है, उसके कारण जो नतीजे आ रहे हैं, मुनाफा आ रहा है, वो काफी अच्छा आ रहा है। और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि अगर इसी तरीके से ये चार्जेस बने रहे तो जोमैटो का मुनाफा यहाँ से आने वाले 2 या फिर 3 तिमाही के पश्चात काफी अच्छा हो सकता है। उपभोक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, ये भी मेरे ख्याल से जोड़ रहे हैं जो गोल्ड मेंबर्स हैं, वन टाइम फीस जो दे करके गोल्ड मेंबर्स बनते हैं, उसके कारण भी एक सकारात्मक सा रुझान आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये कुछ कारण है जिसको लेकर के हमने जोमैटो पर खरीदारी की राय दी। इनफैक्ट जब आईपीओ आया था करीबन 75-76 के आसपास तभी राय थी, फिर वो गिरा 140-150 गया और फिर आईपीओ के भाव के नीचे आया, फिर से हमने बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय दी और निरंतर लक्ष्य को हमने ऊपर की तरफ किया है क्योंकि नतीजे काफी अच्छी तरीके से सुधर रहे हैं। ठीक है, डन। तो आपने व्यू पॉइंट भी दे दिया। हालांकि सीएल के लिए ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज ठीक ठाक मोमेंटम है। एमएनएम में हमने एक डीप कट देखा था, बड़ी वाली गिरावट आई थी शुक्रवार के सत्र में। आज रिकवरी भी स्ट्रांग है, 3% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स में भी हम तेजी देख रहे हैं। सोनी, आपको अपेक्षाकृत कौन सा शेयर बेहतर लग रहा है ऑटो में, अगर कोई एक ट्रेड के लिए चुनना हो तो? देखिए, ऑटो में अगर हम देखेंगे तो फिलहाल मारुति में ही स्ट्रेंथ है, काफी अच्छे सपोर्ट को अभी भी डिफेंड कर रहा है। 11,200 का एक उसका सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक अच्छा है। आप थोड़ा सा भी कॉशियस रहिए बिकॉज मार्केट ही ओवरऑल थोड़ा वीक नजर आ रहा है, बट अगर 11,200 को होल्ड करता है तो डेफिनेटली वहां से बाउंस करेगा टुवर्ड्स 11,800, 12,000 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो यही स्टॉक जो थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है रेस्ट ऑफ द पीयर्स को, एंड यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ अभी भी अच्छा लग रहा है।